एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में रहता था एक खतरनाक शेर। वह शेर अपने समय में बहुत ही खतरनाक था और अनेकों जानवर का शिकार कर चुका था, लेकिन अब वह थोड़ा कमजोर हो चुका था, इसलिए शिकार उसके हाथ से निकल जाता। वह दौड़ नहीं पाता था। एक दिन उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी और उसे एक उपाय सूझा। क्यों न इस गुफा के अंदर जाऊं और अंदर छुपे जानवर को मार कर खा जाऊं। ये सोचकर वह गुफा के पास चला गया। वह गुफा बहुत ही गहरी और अंधेरी थी। गुफा की गहराई देखकर शेर भी सोच में पड़ गया कि ये कौन से जानवर की गुफा होगी। पता नहीं इस गुफा में कौन रहता होगा। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? यह सोचते हुए शेर गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि गुफा तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। वह समझ गया कि यहाँ रहने वाला जानवर कहीं बाहर गया होगा। शाम तक तो वह वापस लौटेगा ही, ये सोचकर बैठ गया। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। वह शाम को जब वापस आई तो अपने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखकर चौंक गई। शेर के केवल अंदर जाने के निशान दिख रहे थे, बाहर आने के नहीं। अब लोमड़ी बहुत ही चिंतित हो गई। वह सोच रही थी कि शेर को कैसे यहाँ से भगाया जाए और कैसे अपनी गुफा खाली कराया जाए। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने गुफा को आवाज दी, गुफा, ओ प्यारी गुफा। अब शेर अंदर बैठे बैठे उसकी आवाज को सुन रहा था। वह चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोमड़ी ने फिर से आवाज दी, प्यारी गुफा, क्या तुम आज मुझे आवाज नहीं दोगी? हर रोज मुझे तुम बुलाती हो। फिर भी शेर चूं से चान नहीं कर रहा था। वह समझ रहा था लोमड़ी की चालाकी, लेकिन लोमड़ी भी हार मानने वाली नहीं थी। वह बोली, अच्छा ठीक है, तुम मुझे आवाज़ नहीं दे रही हो, लगता है तुम नाराज हो। कुछ देर इंतजार के बाद फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी और फिर लौट कर कभी नहीं आऊँगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर सोच में पड़ गया, क्या ये गुफा सचमुच बोलने वाली है? क्या सचमुच लोमड़ी को ये गुफा हर रोज आवाज़ देती है? अगर ऐसा है तो लोमड़ी इस गुफा की आवाज़ नहीं सुनेगी तो वापस चली जाएगी, फिर मैं उसका शिकार कैसे कर पाऊँगा? अब शेर को कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, तो उसने धीरे से दहाड़ मार दी। लेकिन शेर की दहाड़ कितनी भी धीरे हो, पूरी गुफा में इतनी तेज गूंजी कि आसपास उसकी आवाज़ सुनाई दे दी। अब लोमड़ी को पक्का यकीन हो गया कि ये अंदर शेर ही बैठा हुआ है और वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ी हुई। दुम दबाकर लोमड़ी वहाँ से भागी और भागते भागते सोच रही थी, अच्छा हुआ कि मेरी बोलने वाली गुफा ने मुझे बचा लिया। इस तरह से उसने शेर को बेवकूफ़ बना दिया।